हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ्स विद निशा सिंह राठौर। टुडे वी विल लर्न अबाउट ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। व्हाट इज ट्राइंगल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल वी विल लर्न इन दिस वीडियो। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? थ्री लाइन सेगमेंट से बना एक क्लोज फिगर, उसको बोलेंगे हम ट्राइंगल। आप देख सकते हैं साइड में एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर क्या है, ट्राइंगल ड्रो कर रखा है। ट्राइंगल क्या है? थ्री लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट सी डी ए सी। इन तीनों को मिलाकर एक क्लोज फिगर बना है, इसी क्लोज फिगर को हम बोलते हैं ट्राइंगल। सो इन द फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड द थ्री लाइन सेगमेंट्स आर ए बी, बी सी एंड सी ए। दीज आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये ए बी सी जो ट्राइंगल है ना, उसकी साइड्स कहलाएगी। ठीक है, ए बी, बी सी एंड ए सी, ये क्या है, तीनों साइड्स है ट्राइंगल की। एंड द थ्री कॉर्नर्स आर, दे आर थ्री कॉर्नर्स, थ्री कॉर्नर्स आर ए बी, ए बी एंड सी, ये क्या है, थ्री कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, कॉर्नर ए बी एंड सी। सो दीज आर थ्री कॉर्नर्स एंड दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, ये ए बी सी के वर्टेक्सेस कहलाएंगे। वर्टेक्सेस क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे हम वर्टेक्सेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अ ट्राइंगल हैज थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स। हमेशा याद रखना, जो ट्राइंगल होती है ना, उसके थ्री एंगल्स होते हैं। थ्री एंगल्स कौन सा? एंगल ए बी सी, नेक्स्ट एंगल ए सी बी, नेक्स्ट एंगल बी ए सी। ठीक है, तो ये थ्री एंगल्स होंगे। एक होगा एंगल ए, एक होगा बी और सी। तो इसको लिखते कैसे हैं? एंगल ए भी लिख सकते हो, आप चाहे तो बी ए सी भी लिख सकते हो, क्योंकि बी ए सी, हमेशा याद रखना, जो मिडल वाला जो एंगल होगा, मिडल वाला, जैसे ए एंगल है तो मिड में आएगा ए, बी ए सी। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ए सी बी, अगर आप ए सी बी लिखोगे तो भी चलेगा, और एंगल सी लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट एंगल ए बी सी, एंगल बी लिखोगे तो भी चलेगा, और एंगल ए सी भी लिखो, ए बी सी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। हमेशा याद रखना, ट्राइंगल के अंदर थ्री साइड्स होती है, थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री वर्टिक्सेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू एंगल्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज नाम से ही पता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, विच इज मोर देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल विच इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा जो एंगल होता है, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल अगर मोर देन 90 है, कोई सा भी एक एंगल मोर देन 90 है, तो वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। जैसे इस फिगर के अंदर एंगल बी क्या है, मोर देन 90 डिग्री दे रखा है ना। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज ऑब्ट्यूज हैविंग मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री। जब हम मेजर करेंगे तो एंगल बी क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, यानी मोर देन 90 होगा, तो वो ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल नाम से ही पता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। तो यानी इफ एनी वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल देन इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे इस फिगर के अंदर एंगल ई 90 डिग्री दे रखा है, इट मीन्स ये ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, और ये जो आपको दे रखा ना इस तरीके से, तो ये क्या सिंबल है, 90 डिग्री का एंगल का। ओके, नेक्स्ट इज अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल नाम से ही पता है, कोई भी एंगल जिसमें लेस देन 90 डिग्री होता है ना, वो अक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। जैसे इस फिगर के अंदर आपको अगर सारे तीनों एंगल, हमेशा याद रखना
थ्री एंगल्स, जो ट्राइंगल के तीनों ही एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री देंगे तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इस फिगर में के एल एम एक ट्राइंगल है और तीनों ही ट्राइंगल, तीनों ही जो एंगल्स है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो अभी हमें क्लासिफिकेशन पढ़ा अकॉर्डिंग टू एंगल, है ना, जो क्लासिफिकेशन था ट्राइंगल का वो अकॉर्डिंग टू एंगल था। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स। तो साइड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट एंगल ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वल नाम से ही पता है, जो बिल्कुल बराबर है, यानी अगर ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, थ्री साइड्स होती है। अगर तीनों ही साइड अगर इक्वल दे रखी है तो वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे इस फिगर के अंदर ट्राइंगल ए बी सी में तीनों साइड ए बी, बी सी और ए सी तीनों क्या है, 3 सेंटीमीटर है, है ना, तीनों इक्वल साइड्स है, सो दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस अंदर 2 साइड्स जो होती है ट्राइंगल की वो इक्वल होती है, 1 साइड अनइक्वल होती है। यानी ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होती है, उसमें अगर कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल होगी तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल मीन्स अगर उस ट्राइंगल के अंदर तीनों ही साइड अनइक्वल होगी तो वो कहलाएगा स्केलिन ट्राइंगल। तो हमने अभी तक अकॉर्डिंग टू एंगल और अकॉर्डिंग टू साइड्स हमने ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू एंगल क्या होगा, देखो बच्चों वापस से हम स्टार्ट कर देते हैं, वापस से रिवाइंड कर देते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल में क्या होगा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा। नेक्स्ट अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों ही एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री के होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, इसके अंदर 3 टाइप्स के ट्राइंगल होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम से ही पता है तीनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके अंदर 2 साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होगी। स्केलिन में क्या होगा, 3 साइड्स ट्राइंगल की अनइक्वल होगी, ठीक है। नाउ लेट्स डू टास्क 10। टास्क 10 इसी से रिलेटेड है। तो टास्क 10 में दे रखा है क्लासिफाइंग द ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर गिवन बिलो एज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्राइंगल। तो आपको क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू साइड्स क्लासिफिकेशन कर रखा है ट्राइंगल का, आपको फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे 3 साइड्स क्या है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो बच्चों 5 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, 2 साइड्स इक्वल है और 1 साइड अनइक्वल है, तो क्या कहलाएगा, यह आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में तीनों ही साइड अलग अलग दे रखी है, जब तीनों ही साइड अलग अलग दे रखी तो वह स्केलिन ट्राइंगल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगेन तीनों साइड अलग है, 10, 6 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, यहाँ 2 टाइम्स दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स ट्राइंगल के अंदर 2 साइड तो इक्वल है और 1 साइड क्या है, अनइक्वल है, तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। नेक्स्ट जिसके अंदर तीनों ही साइड इक्वल होती है वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तीनों ही साइड क्या है, अनइक्वल है, इट मीन्स ये कहलाएगा स्केलिन ट्राइंगल, ओके। टास्क 10 हमने सॉल्व कर दिया, लेट्स डू टास्क 11। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर। अब आपको फिगर को ऑब्जर्व करना है और उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर, जिसमें आपको ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है। तो इस पी क्यू आर के अंदर फर्स्ट आपको फाइंड करना है वर्टिक्सेस। तो वर्टिक्स इसमें क्या आएगा, पी क्यू एंड आर, तो दीज आर 3 वर्टिक्सेस ऑफ ट्राइंगल्स पी क्यू एंड आर, तो यहाँ लिख दिया हमने आंसर। नेक्स्ट इज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो साइड्स आपको दे रखी है ट्राइंगल में 3 साइड्स है, एक तो है पी क्यू, एक है क्यू आर और एक है पी आर, तो ये क्या होगी, 3 साइड्स होगी ट्राइंगल के अंदर। नेक्स्ट इज अ ट्राइंगल एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यस, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये साइन दे रखा है। देखो बच्चों ये जो साइन है ना वो इक्वल का साइन होता है, इट मीन्स जो तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर
अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। उस तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। 60 डिग्री के एंगल्स कहलाएंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के, इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री है, इट मीन्स ये एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ई शेप। अब आपको यहाँ पे शेप्स गिवन है, इसके अंदर ट्राइंगल फाइंड कर ले। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में टू ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर वन एंड ट्राइंगल नंबर टू। तो यहाँ हम लिखेंगे टू। इस फिगर के अंदर टोटल फाइव ट्राइंगल है, वन टू थ्री फोर, एक ही खुद फाइव, ठीक है। इसमें आपको थ्री ट्राइंगल्स दे रखे, वन टू एंड थ्री, ओके। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, द ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल आपको क्लासीफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था थ्री टाइप्स के एंगल्स होते हैं, एक होता है ऑब्ट्यूस, एक होता है राइट और एक होता है एक्यूट। ऑब्ट्यूस एंगल कब होगा, जब कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर टू में दे रखा है। यहाँ 120 डिग्री दे रखा है, इट इज़ मोर देन 90 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। एक्यूट एंगल कब होगा, जब तीनों ही एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में सारे ही एंगल क्या दे रखे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर डी के अंदर हम सॉल्व करेंगे, क्लासीफाई द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड। साइड्स के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के होते हैं, स्कैलेन होता है, इक्विलेटरल होता है और आइसोसेलेस होता है। तो आइसोसेलेस कब होगा, ट्राइंगल के अंदर अगर कोई भी टू साइड इक्वल होगी, वन साइड अनइक्वल होगी, तो उसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसा कि क्वेश्चन नंबर वन एंड टू में दे रखा है, वन एंड टू में टू साइड्स क्या दे रखी, इक्वल दे रखी है और वन साइड अनइक्वल दे रखी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। स्कैलेन कब होगा, जब तीनों ही साइड अनइक्वल होगी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर थ्री में दे रखा है। इसमें एक साइड है 2 सेंटीमीटर, एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड अनइक्वल है, इट मीन्स ये स्कैलेन ट्राइंगल होगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसके अंदर थ्री आपको क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि तीनों साइड क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर तीनों साइड अनइक्वल दे रखी, तो स्कैलेन ट्राइंगल होगा। और क्वेश्चन नंबर सिक्स में तीनों साइड इक्वल दे रखी, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो क्लासिफिकेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ओके। नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर सीखेंगे सर्कल के बारे में, और सर्कल की क्या क्या साइज होती है, क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं सर्कल के अंदर, उसके बारे में हम सीखेंगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई टोल्ड इन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।